Our next chapter is addition. Second chapter is addition. So let's see. A village fair was held for 2 days. Village fair के लिए 2 days रखे गए हैं. Let us see how much did the following people sell altogether in the 2 days. अभी 2 days में कितने people क्या क्या sell करते हैं हम देखेंगे सब मिलकर. तो balloon seller, अभी balloon seller means गुब्बारा बेचने वाले ने सैटरडे को 43 गुब्बारा बेचा है और संडे को 56 गुब्बारा बेचा है. सो यहाँ पर हम पीरियड्स बना लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड का. सो 43 मीन्स ये 3 वंस में आ गया, ये 4 टेंस में, और 56 लिखना है तो ये 6 वंस में और 5 टेंस में. अभी हमको इसका एडिशन करना है. सो हम इसका एडिशन किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो हम वंस के प्लेस पर वंस का एडिशन करेंगे. वंस के ग्रुप में जितने भी डिजिट हैं, ये 3 है, सो 3 में हमको 6 एडिशन करना है. तो हम ऐसा लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं. 3 है मीन्स 3 लाइन ड्रॉ किया, 6 है मीन्स 6 लाइन ड्रॉ किया. अभी ये सब लाइन्स को एक साथ हम काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं? 9. या तो हम उसको फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं या हम हमारे माइंड में भी नंबर को लेकर कर सकते हैं. अब टेंस का एडिशन करेंगे. 4 में 5 को एडिशन करो. 4 नंबर दिया है उसमें 5 का एडिशन करना है. 4 5 6 7 8 9 कितना है? 9. तो ये सब का एडिशन कितना हो गया? 99. तो द टोटल बलून सोल्ड, कितने बेचे हैं बलून सेलर ने? 99 गुब्बारे बेचे हैं. सो नेक्स्ट काइट सेलर, अभी काइट बेचने वाले ने सैटरडे को 36 बेचे हैं और संडे को 45. अभी इसका एडिशन कर लेते हैं. 6 में 5 का एडिशन करो, 11 होता है. हम 11 को कैसा करते हैं? 11 ऐसा लिखते हैं. तो ये 11 का जो ये राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम वंस के पीरियड में लिख लेते हैं. ओके, और ये जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट होता है ये उसको हम यहाँ कैरी कर लेते हैं. ओके, कैरी मीन्स उसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ऊपर साइड. देन हम टेंस की काउंटिंग कर लेते हैं. 3 में 4 को ऐड करो, कितना होता है? 7 होता है. 7 आंसर आ गया. अभी ये 1 का क्या करेंगे फिर? तो ये 7 में ही हमको ये 1 ऐड कर देना होता है, तो हम ऐड कर लेंगे. 7 में ऐड करो 1, क्या हो जाएगा? 8. सो काइट सेलर ने 2 डेज में 81 काइट सोल्ड किए, मीन्स उसने बेच दिए. रिमेंबर टू ऐड व्हाट यू कैरी ओवर. ओके, कैरी किया है हमने यहाँ पर. सॉफ्ट ड्रिंक सेलर, अभी सॉफ्ट ड्रिंक सेलर ने सैटरडे में 326 ड्रिंक को सेल किया और संडे को 673 ड्रिंक्स को उसने बेचा है. अभी देखते हैं, पहले वंस की काउंटिंग ले लेते हैं. 6 में 3 को ऐड कर दो, 9 होता है. आप फिंगर्स पर या माइंड में लेकर काउंट कर सकते हैं. 2 में 7 को ऐड कर दो, 9 हो जाता है. फिर 100 में भी 3 में 6 को ऐड कर दो, 9 होता है, मीन्स 999. तो 999 सॉफ्ट ड्रिंक बेचे हैं. सो पिनव्हील सेलर ने सैटरडे को 107 बेचे हैं और संडे को 93. अभी इसका देख लेते हैं हम. वंस की काउंटिंग कर लेंगे पहले. 7 और 3 का एडिशन कर लो. 7 और 3 का कितना आता है? 10 होता है. अभी हमने यहाँ देखा है राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है वो लिख लेंगे 0 और ये जो उसके बाजू का होता है वो कैरी कर लेंगे 1. सो टेंस में यहाँ 0 है तो 0 में कितना भी आप नंबर प्लस करो वो एज इट इज़ रहेगा, ये मीन्स यहाँ 9. अभी 9 ले लेंगे यहाँ, तो ये 1 का क्या होगा?
सो ये 9 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, सो 10 हो जाएगा, तो फिर से ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 कैरी हो जाएगा, मीन्स ये 1 को ये 1 में ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, मीन्स 200। पिन व्हील कितने सोल्ड हुए? 200। सेम इसी तरह आइसक्रीम सेलर, आइसक्रीम सेलर ने कितने सैटरडे को सोल्ड किया? 334, और संडे को 187। सो पहले वंस का एडिशन कर लेते, 7 में 4 का ऐड करो, 11 होता है, सो ये 11 का ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 कैरी रहेगा। फिर टेंस का एडिशन करो, 8 में 3 में 8 एडिशन करो, कितना होता है? 11। 11 में ये 1 को भी ऐड कर दो, 12 होता है, 12 का ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 कैरी हो जाएंगे। देन 100 की काउंटिंग करो, 3 में 1 को ऐड करो, 4 हो जाता है, 4 हो गया, ये 1 ऐड कर दो 4 में, 5 हो गया। सो 521 आइसक्रीम सोल्ड हुए 2 डेज। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बाय रीग्रुपिंग। अभी हमें यहाँ पर रीग्रुपिंग करना है। यहाँ देखो 27 वंस दिया है, 27 वंस मीन्स 27 ही। अभी यहाँ पर आपको बताना है 27 में कितने टाइम 10 आता है, तो देखते हैं 10 प्लस 20 प्लस ये 7, मतलब 2 टाइम 10 आया है ना। तो यहाँ टेंस दिया है और यहाँ पर लिखो बोला है कि कितने टाइम टेंस आया है, सो 2 टाइम आया है, हम लिख लेते हैं 2 टाइम टेंस और 1 टाइम 7। ओके, इसी तरह यहाँ पर 1 टाइम 10 आया है, 5 टाइम 1 आया है, इसी तरह 1 टाइम 1, और यहाँ पर अब देखो क्या बोला है, 19 टेंस। 19 टेंस मीन्स आपको 10 10 का एडिशन कब तक करना होगा? 19 टाइम्स तक करना होगा, तो उसका आंसर आता है 190। अभी 190 में कितने टाइम 100 है? 1 टाइम 100 है, तो लिख लेते हैं 1 टाइम 100, और टेंस कितने टाइम है? 9 टाइम्स, तो यहाँ 9 टाइम्स टेंस। 25 टेंस है, 25 टेंस में 20 टाइम 2 टाइम 100 है, 2 लिख लेते हैं, और यह 5 टाइम टेंस है। ओके, मीन्स 250 हो जाता है, 250। अभी 1200 है, सो 1200 में 1 टाइम 100 आता, 1200 है मीन्स 1200, तो 1000 कितने टाइम आया इसमें? 1 टाइम, तो 1000 प्लस 100 कितने टाइम आया? 2 टाइम, सो 200। या 1700 है मीन्स 1700, 1000 700, सो यहाँ 1000 1 टाइम है, सो हमने 1 लिख लिया, और 7 टाइम 100 से, सो 7 लिख लिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। परफॉर्म द फॉलोइंग एडिशंस टू प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। 1, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। हमने देखा है कि 0 को कितने भी नंबर में आप ऐड कर दो, 0 काउंट नहीं होता है, वो नंबर जितना होता है ऊपर का या उसके साथ जो भी होता है एडिशन में, तो वो एज इट इज़ लिखा जाता है। सी हेयर, यहाँ पर वंस की काउंटिंग, यहाँ पर वंस की पहले काउंट कर लेंगे, 8 प्लस 0 मीन्स 8 एज इट इज़ आएगा, टेंस में 9 है, 9 एज इट इज़ आएगा, 100 में 1 है, 1 एज इट इज़ आएंगे। ओके, यह आपने करना है। व्हेन वी ऐड टू नंबर्स चेंजिंग देयर ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम। अभी यहाँ पर टू नंबर्स दिए हैं टू ग्रुप में, और यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो नंबर से उसको प्लेस चेंज किया है बस, लेकिन उसका सम चेंज नहीं होगा, यही हमको दिखाना है कि वंस की
वंस का पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 5 + 0 मीन्स ओनली 5, टेंस में 5 + 4 9, और 100 में 4 + 2 6। सो आपने ये करना है और देखना है कि आंसर इतना ही आता है क्या इसका। नेक्स्ट, व्हेन वी ऐड 3 नंबर्स वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर एंड द सम रिमेंस द सेम। अभी यहाँ पर 3 नंबर का एडिशन करना है और यहाँ पर भी सेम इस तरह से दिया है कि प्लेस चेंज किया है बस नंबर्स की, लेकिन उनका सम यानी उनका एडिशन सेम आएगा। सी हेयर, पहले वंस का कर लेते हैं। 5 में 2 ऐड करो 7 हो जाता है, 7 में 1 ऐड करो 8, सो राइट हेयर 8। टेंस की 10 में 3 ऐड करो 7 हो जाता है, 7 में फिर ऐड करो 8, 7 में ऐड करो 8 कितना होता है 15 होता है, तो 15।